तो चलो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में बेसिकली बच्चों को थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो आई मैं कोशिश करता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है वो आपका बेहतर तरीके से सॉल्व हो जाए और ढंग से इसको समझ लो। कहता है कि YDSC एक्सपेरिमेंट सबसे पहले मैं एयर में परफॉर्म किया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर एयर में जो सेटअप बनाते हो, ठीक है ना, यहाँ पे दो स्लिट होता है S1, और यहाँ से S1 और ये S2, और यहाँ से ये अपनी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है स्क्रीन, और ये जो सेपरेशन है वो अपना डी होता है। तो जो मान लो पॉइंट पी है, तो पॉइंट पी पे एयर में ये हो रहा, तो पॉइंट पी पर जो बन रहा है, यहाँ से लाइट रे ऐसे जा रही है, तो पॉइंट पी पे ये कह रहा है कि एट्थ ब्राइट फ्रिंज बन रहा, तो एट्थ ब्राइट फ्रिंज, ठीक है ना। पॉइंट पी पर क्या बना, एट्थ ब्राइट फ्रिंज एयर में, ठीक ना। तो ये जो एट्थ ब्राइट फ्रिंज है उसका जो लोकेशन है ओरिजिन से ओ से, ओ वाई डिस्टेंस ऊपर है, ठीक है। अब ये कहता है कि अगर इसी को मैं मीडियम में परफॉर्म करूँ, मीडियम में परफॉर्म करूँ, तो जहाँ एट्थ ब्राइट फ्रिंज था, एट्थ ब्राइट फ्रिंज था एयर में, वहाँ पर बनेगा फिफ्थ डार्क फ्रिंज, फिफ्थ डार्क फ्रिंज, ठीक है ना, फिफ्थ डार्क फ्रिंज। बात समझ में आया, मीडियम में। तो ये जो है किस में बनेगा, एक मीडियम में। तो इसका मतलब ये हुआ, ये जो वाई है डार्क और ब्राइट फ्रिंज के लिए मीडियम में, इसी पॉइंट पर वाई दोनों के लिए सेम है, तो फर्स्ट वाई एयर में निकाल लो और फिर वाई मीडियम में निकाल लो, और यहाँ से एक इक्वेशन सेट कर दोगे तो क्वेश्चन अपना हो जाएगा। बात समझ में आए। तो सबसे पहले वाई निकालते कैसे हैं, अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला याद है ब्राइट और डार्क फ्रिंज का, तो आप डायरेक्ट लगा दो। पर मैं अक्सर जब बच्चों को पढ़ाता हूँ तो उनको फार्मूला क्या होता है, अब भूल जाता है ये वाला, ठीक है। तो एक बार मैं एक लॉजिक बता देता हूँ, ट्रिक बता देता हूँ, उससे आप ये फार्मूला याद कर लोगे। ये जो डिस्टेंस है, ये स्लिट S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस है वो डी है, और ये कैपिटल डी है वाई। तो जो ये वाली जो रे है, दिस वन और दिस वन, इनमें जो पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है वो होता है वाई स्मॉल डी कैपिटल डी, आपको याद होना चाहिए। और जो पाथ डिफरेंस होता है वो इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई टू के बराबर होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में। बात समझ में आए। तो यहाँ से जो वाई है लोकेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज, दिस इज द ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट फ्रिंज का जो लोकेशन है यहाँ से डायरेक्ट जो दिखेगा, ठीक है, वो एन लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, दिस इज द जनरल लोकेशन ऑफ ऑल ब्राइट फ्रिंज। अब एन यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, डॉट 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 डॉट, थियोरेटिकली अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो यहाँ एन है, एन को एन इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है ना, सेंट्रल मैक्सिमा वाला ब्राइट फ्रिंज जो यहाँ पर बनेगा, जो ओरिजिन पे यहाँ पर बनेगा, उसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलूंगा। इसके बाद जो बोला ये एन इजिकल टू, ये है फर्स्ट मैक्सिमा, फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज, तो ये जो टू है वो है सेकेंड ब्राइट। तो आठवां जब लोगे तो एन की वैल्यू 8 ब्राइट फ्रिंज, ठीक है। तो अगर मैं एयर में देखूंगा तो यहाँ पे 8 ब्राइट फ्रिंज, जो वाई एन की जो वैल्यू 8 ब्राइट फ्रिंज जो आ जाएगा, उसको मैं Y1 से चलो डिनोट कर देता हूँ, तो एन की वैल्यू 8 आ गई। ये लैम्डा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई स्मॉल डी, और ध्यान रखना कि हाँ, 8th ब्राइट फ्रिंज वाइट इज परफॉर्म इन इन एयर एंड देन इन मीडियम, इट वॉज 8th ब्राइट फ्रिंज इन ए मीडियम, इट वॉज 8th ब्राइट फ्रिंज इन ए मीडियम, ठीक है। तो चलो मीडियम में 8th ब्राइट फ्रिंज, तो ब्राइट मीडियम में जो ब्राइट फ्रिंज है, दैट इज मीडियम में जो वेव लेंथ है, दैट इज लैम्डा डैश है, ठीक है। तो अगर यहाँ से लैम्डा डैश है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम पूछ रहा है, ध्यान रखना ये जो लैम्डा डैश है वेव लेंथ है, वेव लेंथ है इन, वेव लेंथ इन मीडियम में है। और जब इसको एयर से कंपेयर करोगे तो लैम्डा डैश जो है एयर का म्यू टाइम्स कम होता है, तो ये जो 8th ब्राइट फ्रिंज है वो क्या बना है, वो बना है प्यारे बच्चों मीडियम में। तो मीडियम के, जब मीडियम की बात करूंगा, तो मीडियम में पहला जो कंडीशन था, मीडियम में पहला जो कंडीशन था, क्या, एक मिनट प्यारे बच्चों, हाँ, तो जो मीडियम था, मीडियम में पहला कंडीशन था, तो 8 और लैम्डा डैश की वैल्यू लैम्डा अपान म्यू रख देता हूँ, तो ये कैपिटल डी, दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये कहानी मीडियम की है, मीडियम में 8th ब्राइट फ्रिंज की हमने लिख दिया। अब
जो यहाँ पे लिखा हुआ है फिफ्थ डार्क फ्रिंज लाई इन एयर, तो एयर में डार्क फ्रिंज निकालो, ठीक है। थोड़ा सा डिटेल में इसलिए समझा रहा हूँ कि हाँ, डार्क फ्रिंज इन एयर, तो वही अगर डायरेक्ट फार्मूला है तो लिख दो, नहीं तो मेरा वाला ट्रिक यूज करो, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है भैया, पाथ डिफरेंस वाई स्मॉल डी अपन कैपिटल डी, और इवन मल्टीपल ऑफ लैम्बडा बाई टू होता है अगर आप डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लगाते हो, तो जनरल लोकेशन ऑफ ऑल मिनिमा जो आ जाएगा वो 2n+1 लैम्बडा कैपिटल डी डिवाइडेड बाई 2 स्मॉल डी, दिस इज द जनरल लोकेशन ऑफ ऑल मिनिमा, वेयर एन कहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 0, 1, 2, 3 और डॉट 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 अप टू इन्फिनिटी। तो जो जीरो है यहाँ पर वो फर्स्ट मिनिमा के लिए बना, जो कि सेंट्रल मैक्सिमा के दोनों साइड, और ये जो है वो सेकेंड डार्क फ्रिंज, सेकेंड मिनिमा। तो इसी तरह से जब मैं फिफ्थ मिनिमा की बात करूँगा तो यहाँ पर मैं एन की वैल्यू 4 रखूँगा, बात समझ में आया, एन की वैल्यू मैं 4 करूँ, क्योंकि एन की वैल्यू 0 पर फर्स्ट मिनिमा बनेगा, एन की वैल्यू 1 पर सेकेंड बनेगा, तो उसी तरह से एक कम हो रहा ना भाई, ठीक है, ये फर्स्ट है और ये यहाँ सेकेंड है, ठीक है, तो सेकेंड के लिए एन की वैल्यू 2 है, तो अगर ये फिफ्थ कह रहा है, फिफ्थ डार्क कह रहा है, तो एन की वैल्यू या इसके लिए 4 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं y2 जब लिखूंगा तो ये आ जाएगा 4 9 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 डी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन सेम है, y1 और y2 क्या है, सेम है, सेम जगह फ्रिंज बन रहा, तो 8 लैम्बडा कैपिटल डी इक्वेट कर दूंगा मैं, इक्वेट कर दूंगा किसको, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड को अगर मैं इक्वेट कर देता हूँ तो 8 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन म्यू स्मॉल डी मस्ट भी इक्वल टू 9 लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन 2 डी, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं इसको इक्वेट करता हूँ तो मेरे को मिल जाता है ये, फाइनली जो म्यू की वैल्यू यहाँ से दिखेगी वो आ जाएगी अपनी, म्यू की वैल्यू 16/9, तो 16/9 को डिवाइड करोगे तो 1.777 इस तरह से, तो राउंड अप करने पे 1.78, तो जो म्यू की वैल्यू है 1.78 के इक्वल हो, ऑप्शन देखो इसमें से 1.78, तो 1.78 मतलब ये अपना सी ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। तो बहुत बेहतर तरीके से समझाया हूँ, थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखो।